राधे कृष्णा फ्रेंड्स, और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं बना रही हूँ भुरता, और थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मैंने पहले भी ये रेसिपी बनाई थी, लेकिन वो डिलीट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो एक बार और मैं बनाती हूँ और आपको ये शेयर करती हूँ। तो प्लीज़, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैंगन को सिकने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड मैंने टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी भुरते में डालूँगी उन सब चीज़ों को सेक लूँगी, और इन्हें मध्यम आंच पर सेकना है, नहीं तो ये फिर ज़्यादा जल जाएंगे तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मध्यम आंच पर हम सब चीज़ों को सेक कर रख लेंगे, और काफ़ी टेस्टी लगा था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। मतलब मेरा बेटा है ना, वो उसे पसंद नहीं है भुरता, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया था तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, और वो मुझे यही बोल रहा था, मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाया करो। लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स, बच्चों को जैसा पसंद आएगा खाना, उनके लिए तो खैर वैसा बनाना पड़ता है, चाहे मेहनत भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो फिर मैं इसीलिए उसके लिए डबल से बना रही थी, और आपसे ये रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मध्यम आंच पर सेक लिया है, और ये सब सिक गई है, तो अब इन्हें निकाल रही हूँ मैं। और ये देख लीजिए, अभी इनके छिलके निकाल लूँगी मैं। तो लहसुन वगैरह सिक गई है अच्छे से, और टमाटर और हरी मिर्च भी सिक गई है, तो बस अब इन्हें भी निकाल कर अलग रख लेती हूँ। और अब मैं इसके बाद इन्हें साफ़ करूँगी, और काफ़ी टाइम लगेगा इसे साफ़ करने में भी, तो ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद करूँगी साफ़। और अभी बैंगन तो खैर हो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो बस अब दूसरी साइड में प्याज रख रही हूँ, क्योंकि मैं प्याज को भी सेक लूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने सब छील कर रख लिए हैं, लहसुन वगैरह सब कर लिए हैं, ये देख लीजिए, और प्याज वगैरह भी हो गए थे, उन्हें भी साफ़ करके रख लिया है। अब मैं इन्हें थोड़ा सा चॉप कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से हो जाएंगे, ज़्यादा मतलब पक तो गए हैं ये, लेकिन इन्हें थोड़ा अच्छे से काट लूँगी तो बढ़िया हो जाएगा। और अभी भुरता थोड़ा गर्म है, तो थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा उसको अच्छे से। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा काट कर रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इन सबको काट के रख लिया है, और अब हम भुरता बनाएंगे, तो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को तो मैंने ऐसे ही गैस पर सेक लिया था, और जो सेका हुआ है ना, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर जीरा डाल दिया है, और लहसुन हरी मिर्च सब हम डाल देंगे इसमें, और थोड़ा थोड़ा इसे पका लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही सिकी हुई है, तो हमें ज़्यादा भी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम यहाँ पर प्याज डाल रहे हैं, और प्याज को भी थोड़ी देर पकाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाली हुई है, तो यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच के करीब छोटी चम्मच से धनिया पाउडर डाल दिया है। तो ये थोड़ा भून लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, और अच्छे से मिला लूँगी, और ये सब अच्छे से मिल गया है। तो अब मैं इसमें थोड़े मटर डालूँगी, तो यहाँ पर 1 छोटी कटोरी के करीब मैंने मटर डाल दिए हैं, और इन्हें भी थोड़ी देर हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मटर अच्छे से पक जाए। और मटर पक गए थे, तो उसके बाद मैंने टमाटर और भुरता दोनों साथ में डाल दिया था। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और 2-3 मिनट इसे और पकाएंगे,
थोड़ी देर में इसे अच्छे से मिलाकर ढक के रख दूंगी ताकि मटर में थोड़ा सा जो भी अगर कच्चापन हो तो वो भी अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी एक बार और, ताकि धनिया भी अच्छा मिल जाए सब मतलब भुरते में। और यहाँ पर रेडी हमारा भुरता बनकर, तो अब मैं रोटियाँ भी साथ में बनाते जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने लिए बना लेती हूँ बाजरे की रोटी, क्योंकि मुझे भुरते के साथ बाजरे की रोटी काफ़ी पसंद है। तो वही बना रही थी और मैंने थोड़ा सा बाजरे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला दिया था, क्योंकि क्या होता है बेलने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे, पन्नी पे बनानी पड़ती है, मुझे हाथ से बनानी नहीं आती है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं की है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आटा मिला दिया था और फिर मैंने बेल कर बना ली थी बाजरे की रोटी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा कर मैं सेक रही हूँ। तो हमारा खाना तो रेडी हो गया है फ्रेंड्स, सबने खा लिया है और अब मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, खाना हो गया है लेकिन अभी मुझे किचन साफ करना है, बर्तन भी साफ करने हैं। तो और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए, ये भी कल मैंने धोए थे तो अभी तक मैंने इन्हें तय नहीं किया है, तो बस ये भी कर लेती हूँ काम, और जो भी थोड़े बहुत काम मैं सब कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह साफ कर लिया है, बर्तन भी साफ हो गए हैं मेरे, और मैंने मेथी की भाजी तोड़ कर रखी थी तो अब बस उसे भी मैं धो कर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर के काम करने के बाद मुझे और भी काम रहता है, आपको पता ही है, मैं रील्स वगैरह भी बनाती हूँ तो काफ़ी उसमें भी बहुत टाइम लगता है मुझे, वो भी काम करना रहता है, फिर इधर उधर और भी जगह वीडियो डालती हूँ तो काफ़ी थकान हो जाती है, इसलिए फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और बस अब शाम हो रही है तो अभी चाय वगैरह तो खैर हो गई है और मैं किचन में खाना बनाने के लिए, 7 बज रहे हैं तो मैंने अभी आटा लगा के रख लिया है और अब मैं खाना बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हम यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ और हम अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बस यहीं पर एंड कर रही हूँ अपने व्लॉग को, और तो अगले व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।